जब भी हम केक बनाते हैं तो सवाल ये आता है कि हम उसकी आइसिंग कैसे करें। तो अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एकदम आसान व्हिप क्रीम बनाने की रेसिपी। मेरी प्रिय सहेलियों, मैं तृप्ति आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल ग्रो विद किचन में। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। व्हिप क्रीम बनाने के लिए मैंने पाउडर्ड शुगर ली है, इसे आप चीनी को मिक्सी में पीस कर बना सकते हैं अगर आपके पास ना हो तो, और रूम टेम्परेचर पर दूध लिया है। अब मैं 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून, 3 टेबल स्पून, 4 टेबल स्पून और 5 टेबल स्पून, 5 टेबल स्पून मैंने दूध लिया है यहाँ पे। और अगर आप अपनी नॉर्मल चम्मच से लेते हैं तो 10 चम्मच करीब दूध ले लें यहाँ पर। ये दूध मैंने फुल क्रीम लिया है। अब इसी चम्मच से हम चीनी डालेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे इसमें। मुझे 2 फ्लेवर की व्हिप्ड क्रीम बनानी है, इसलिए मैंने इनको 2 बाउल में बराबर बराबर डिवाइड कर लिया है। अगर आप एक ही फ्लेवर का बनाना चाहते हैं तो आप इसको 2 भागों में डिवाइड ना करें, आप एक ही बाउल में रहने दें इसे। और अब मैं इसमें एक में मैं 2 बूंद चॉकलेट एसेंस डाल रही हूँ, और दूसरे में 2 बूंद वनीला एसेंस डाल रही हूँ। अगर आपको एसेंस पसंद है तो आप डालें, अगर नहीं है पसंद तो आप इसके बिना भी क्रीम बना सकते हैं। अब हम इनको आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। व्हिप्ड क्रीम बनाने के लिए मैंने बटर लिया है यहाँ पे, मैंने नमक वाला लिया है, आप चाहें तो बिना नमक का भी ले सकते हैं। इसको मैंने रूम टेम्परेचर पर लिया है। अब हम इसे हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड करेंगे। इसको हमें डबल होने तक चलाना है, लेकिन इसको हमें लगातार नहीं चलाना है, थोड़ा रुक रुक के चलाना है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक ब्लेंडर ना हो तो आप हैंड पिस्कर से भी ब्लेंड कर सकते हैं आप इसको। आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज होने लगा है, ये वाइट होने लगा है, और अभी इसे हमें थोड़ा और चलाना है। जब बटर थोड़ा मेल्ट हो जाए तब हम इसे नीचे बाउल में बर्फ़ डालेंगे और बर्फ़ के पानी में इसको रख लेंगे, जिससे कि क्रीम हमारी ठंडी रहे और इसमें अच्छा सा क्रीमी टेक्स्चर आए। क्रीम भी हमारी डबल हो गई है और इसमें क्रीमी टेक्सचर भी आ गया है। अब मैं इसे 2 फ्लेवर का बना रही हूँ, इसलिए मैं इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लेती हूँ। अब हम इसमें 1-1 चम्मच करके वनीला एसेंस वाला दूध डालेंगे। देखिए हमारी क्रीम बनके तैयार हो गई है, कितनी सॉफ्ट और फ्लफी बनी है ये। अब हम इसको कोन में निकाल लेते हैं। देखिए कितनी बढ़िया डिज़ाइन बन रही है, एकदम परफेक्ट क्रीम बनी है हमारी। इसमें मैंने 1.5 टेबल स्पून कोकोआ पाउडर डाला है, और अब इसमें भी हम धीरे धीरे करके चॉकलेट फ्लेवर वाला दूध मिलाएंगे। ये हमारी चॉकलेट फ्लेवर की क्रीम भी बनके तैयार हो गई है, आप देख सकते हैं इसमें कितनी बढ़िया पीक बन रही है। और अब हम इसको भी कोन में निकाल लेते हैं। लीजिए हमारी व्हिप्ड क्रीम बनकर तैयार हो गई है, आप देख सकते हैं ये कितनी सॉफ्ट और फ्लफी बनी है। इसे हम केक, पेस्ट्री और डिज़र्ट्स आदि में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने मेरी टूटी फ्रूटी केक की रेसिपी अब तक नहीं देखी है तो आप उसे आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, अपनी सहेलियों के साथ शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ।